हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो ये वीडियो लेके आया हूँ, ये पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड। पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड एक ऑप्टिकल फाइबर सेक्टर की कंपनी है। एक छोटा स्मॉल कैप जरूर है, जिस तरीके से SFCL है वैसे ही पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड है। और आप देखिए, ये स्टॉक जो है मात्र 12 रुपये का स्टॉक है और आज इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया और मार्केट बंद होने के बाद आया। तो कैसा रहा क्वार्टरली रिजल्ट, उसको देखते हैं। और ये कंपनी खास इसीलिए है क्योंकि आने वाले 2-3 साल जो है ऑप्टिकल फाइबर के हैं और इस स्टॉक में बहुत दम है। जैसे अक्स, ऑप्टीफाइबर, HFCL, पैरामाउंट कम्युनिकेशन, ये छोटी छोटी कंपनीज हैं ऑप्टिकल फाइबर सेगमेंट की और इनमें अच्छा खासा आपको मुनाफा मिल सकता है। आप ये देखिए, इसका रिजल्ट आया और इसका रिजल्ट इतना बेहतरीन आया है और जिसका असर अब डायरेक्टली शेयर के प्राइस पे पड़ेगा। चलिए बात करते हैं रिजल्ट की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब ये देखिए, 12 रुपये 40 पैसे का स्टॉक, 52 वीक लो देखा जाए तो 6 रुपया 31 पैसा, 52 वीक हाई देखा जाए तो 19-20 रुपये के राउंड। तो ये स्टॉक 4 से 5 रुपये से बढ़ के, देखिए एक साल में 6 रुपये से बढ़ के ये 20 रुपये तक, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना रिटर्न एक साल में। आप खुद देखिए, 3 गुना रिटर्न एक साल में। पैरामाउंट कम्युनिकेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन 208 करोड़। जैसे मैंने कहा था, स्मॉल कैप का स्टॉक है, स्मॉल कैप का हो या माइक्रो कैप का हो, इस तरीके का स्टॉक है। P/E 43 का है। अर्निंग पर शेयर है 0.28, मतलब 28 पैसे। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 88 पैसे की बुक वैल्यू है इसकी, इसलिए प्राइस टू बुक वैल्यू का जो रेशियो है वो 13.65 बन रहा है। अब ये देखिए, आज जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट मार्केट बंद होने के ऑलमोस्ट 6 बजे के अराउंड रिजल्ट आया और रिजल्ट कैसा रहा वो ये देखिए आप। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, ये सारे फिगर्स लाख में, हम आपको इनको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो ये देखिए, 150 करोड़ का टोटल रेवेन्यू किया है और पिछले क्वार्टर में ये 112 करोड़ था। तो मतलब टोटल रेवेन्यू 112 करोड़ से बढ़ के 150 करोड़ हो गया, बेहतरीन है, बहुत सब सही है। अगर पिछले साल सितंबर की बात करें तो टोटल रेवेन्यू 81 करोड़ से बढ़ के 150 करोड़ हुआ है। तो 81 करोड़ से 150 करोड़ तो ऑलमोस्ट डबल के अराउंड, मतलब 90% के अराउंड का टोटल रेवेन्यू में जंप, मैं तो अच्छा कहूँगा इसको, बहुत बेहतरीन कहूँगा। चलिए फिर प्रॉफिट भी देख लेते हैं, प्रॉफिट कैसा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, प्रॉफिट देखिए 7 करोड़ 38 लाख का प्रॉफिट शो किया और पिछले क्वार्टर में यही प्रॉफिट 3 करोड़ 27 लाख का था, मतलब डबल प्रॉफिट। एक क्वार्टर में प्रॉफिट डबल, आप ये मान के चलिए एक क्वार्टर में प्रॉफिट डबल। और अगर बात करते हैं पिछले साल सितंबर में इसने लॉस शो किया था 6 करोड़ 40 लाख का। तो आप देखिए, एक क्वार्टर में प्रॉफिट डबल है और किस तरीके से यहाँ पे देखिए 6 करोड़ का लॉस, यहाँ पे 7 करोड़ का प्रॉफिट, तो ऑलमोस्ट कितना गुना हो गया है, आप ये मान के चलिए। आगे देखते हैं किस तरीके का, आप देखिए, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था 6 करोड़ 41 लाख का लॉस था, फिर लॉस थोड़ा कम हुआ 2 करोड़ 33 लाख का हुआ, फिर 10 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था इसने मार्च में और जून क्वार्टर में 3 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था और इस बार कितना कर दिया, 7 करोड़ का प्रॉफिट शो किया कर दिया। तो कंपनी तो बहुत बढ़िया बेहतरीन जा रही है, अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रो कर रही है। टोटल डेट देखें तो 197 करोड़ का डेट है, टोटल एसेट्स देखें तो 283 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं। चलिए ग्राफ पे नज़र डालते हैं, अगर पिछले 2 साल का ग्राफ देखें तो ये स्टॉक देखिए 3-4 रुपये का हुआ करता था। 2 साल पहले 3-4 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, 3 रुपये का स्टॉक जो है 20 रुपये तक चला गया। तो मतलब 1 लाख को इसने कितने कर दिया आपके, ऑलमोस्ट 6 लाख रुपये कन्वर्ट करके दे दिए 2 साल के अंदर, 1 लाख को 6 लाख करके दे दिए इसने। चलिए आप एक नज़र डालते हैं इसके, देखिए टेक्निकल ग्राफ पे। तो टेक्निकल ग्राफ तो ये है कि ऑप्टिकल फाइबर सेगमेंट की कंपनी है, इसने बहुत लोगों ने इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर बना के रखा हुआ है। अब ये देखिए, इस स्टॉक को अगर आप देखें तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जो कि ये स्लोली मूव कर रही है, लेकिन अभी जो फास्ट ट्रेंड लाइन जो बनी थी एक ये, और उसको इसने तोड़ के यहाँ पे ये 12 रुपये का राउंड था वो, वहाँ से तोड़ के ये नीचे आ गया था और नीचे का जो लेवल था ये एक दूसरी ट्रेंड लाइन जो बनाई है अभी इसने, मतलब 9 रुपये तक पहुंच गया था स्टॉक, 9 रुपये 20 पैसे तक पहुंच गया था। यहाँ पे लोगों ने धीरे धीरे बाइंग करी और आप ये देखिए, कल से और बाइंग होने वाली है इसमें, क्योंकि ये जो कैंडल दिख रही है इसको कहते हैं हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये देखिए, लाल कैंडल को पूरा कवर कर दिया है हमारी ग्रीन कैंडल ने और यहाँ से उम्मीद है कि अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा। और अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को पार कर दिया ना तो आप, मतलब ये सपोर्ट की लाइन भी है, ट्रेंड की लाइन में ये जो 12-13 रुपये की लाइन है, और कल इतने रिजल्ट देख के अच्छा खासा ये पार जरूर करेगा। तो उम्मीद कीजिए कि ये स्टॉक आपको 16-17 रुपये का अभी भी मिलने लग जाएगा कुछ टाइम के बाद, 16-17 रुपये के अराउंड में। चलिए, और तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पैरामाउंट कम्युनिकेशन एक छोटा सा स्टॉक, पैनी स्टॉक कहूँगा मैं इसको, लेकिन बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर सेक्टर का ये स्टॉक है।
और पेनी स्टॉक इसलिए क्योंकि 11-12 रुपये का स्टॉक है, आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है ये। अभी देखिए अच्छा रिजल्ट जरूर आया है तो अच्छा खासा ऊपर तक जाने की, अभी इसको अगर देखें इसका रेजिस्टेंस लेवल तो आप ये मान के चलिए कि ये 16 रुपये तक आपको हाई में दिखेगा जरूर। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।